वो जो दृश्य है बिल्कुल तैयार है, उससे पहले एक छोटा सा दृश्य है मारिच की कुटिया, जहां आप देखेंगे कि कल सुरपणखा अपने भाई रावण के पास अपनी कटी हुई नाक लेकर जाती है और ये कहती है कि पंचवटी में जो तपस्वी आए हैं उन्होंने उसकी नाक काट डाली, जिसका बदला लेने के लिए रावण षड्यंत्र रचते हैं और उसी षड्यंत्र को लेकर वो मारिच की कुटिया आते हैं। मारिच को ये कहेंगे कि तू चलकर वहां पर माया का मृग बन जा और मैं सीता को हर के ले आऊंगा। तो ये जो दृश्य है इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से रावण मारिच को अपने साथ सीता हरण में सहयोग करने के लिए कहते हैं और जो मारिच है उसको पता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं हरि के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं और वे खुद आए हैं। तो यदि मैं इस षड्यंत्र में शामिल नहीं हुआ तो रावण मुझे मार देगा और यदि मैं षड्यंत्र में शामिल हुआ तो मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी क्योंकि भगवान के हाथों से मुझे मरना है। तो देखिए दृश्य बिल्कुल तैयार है, मारिच की कुटिया, बच्चे एक बार जयकारा लगाएंगे और पर्दा खुलेगा। पंचवटी रामचंद्र की, अगर वो जरा
हिम्मत करे, तुझे बदला मिलता है और तेरा काम निकलता है। रावण, ये तेरी भूल है, भला जिसने पार पार सुभाव का वध किया हो और संकर का धनुष तोड़ा हो और आपके भाई भूषण का जिंदा न छोड़ा हो, उससे बैर करना बिल्कुल फजूल है। वेद राम की बकवास करता है और दांत तपस्वी शत्रु से क्यों ना डरू महाराज, विश्वामित्र के यज्ञ वाला दान अभी तक याद है, उसी दिन से हुआ है इस तरह साहस निकलता। वैसे भगवान की जाने नहीं उठता कदम मेरा, कहां वो राम है जिसके और नाम के चर्चे, ज्ञान सब सुनता हूं निकल जाता है कब मेरा। अगर तुम्हारा मतलब क्या है महाराज, इस इरादे पर खाप डालिए तो क्या शांति से अपने शहर की ताकत भगवान की चलाऊंगा, सूरी अजल की करूंगा, चांद की कहूंगा, चांद काटूंगा रघुकुल के। क्या इससे सरूपंथा की नाम वापस आ जाएगी महाराज? और बेहूदे तकरार रावण के सामने ऐसी बेहूदे तकरार और मुझे गुरुओं की तरह उपदेश देता है, मेरे गणेश में गणेश करता है, मैं सलाह लेने नहीं आया, मैं तुझे हुक्म देता हूं, तू अलग साला धारण कर ले और अलग का असली रूप धारण कर ले। फिर मुझे क्या करना होगा महाराज? एक सुन, तू माया का भरत बन जा, मैं योगी बनकर आऊंगा, तुम राम लखन को बैठा था, मैं सीता और राम का समझा महाराज, समझा खूब अच्छी तरह से समझा। अफसोस, ये बिल्कुल की आफत, मेरी चांद की आफत आई है, ना किसी से झगड़ा ना किसी से तकरार, आदर मुझे मार, मारी तू फंसा, तू पेट धक्का फंसा। दोनों तरफ मौत है, उधर राम का तीर है और इधर कुपक की तलवार है, कोई जीते कोई हारे, मारे बेचारा यू मारे, मैं किसी से झगड़ा,
मैं किसी से लड़ाई, ये अजीब तमाशा है। इश्क बाजी करे सरूपण खां, बिन मौत मरे मारिच। अरे बाजी राज करता है महाराज, ठहरिए, मरना है, आखिर कोई मखोल नहीं। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ये अजीब जबरदस्ती है महाराज, थोड़े समय तो फांसी वाले को भी मिलता है। मरना तो नहीं जीता दूर महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, मगर उल्टा सीखा मरना आपने सीखा है। अरे बच्चों, नहीं मरने का तू अगर फायदा उठा रहा है और कैसे की तरफ जबरत चला रहा है। मैंने बांध दिया, चल दिया और अवस्थि को भारत करना है और सीता को मुझे आकर ले जाना है। ये संगदिन अपने हक नहीं छोड़ेगा, अगर इनकार किया तो पहले मेरी गर्दन को तोड़ेगा। मरना तो आ ही गया, फिर कुछ गली से क्यों मरा जाए। इस दुष्ट के हाथों से प्राण गवाने से तो अच्छा है, क्यों ना प्रभु राम के हाथों से मारा जाए। और शैतान कबर तैयार हो जा, और हल्ले के लिए तैयार हो जा महाराज। हुक्म उन्होंने करने का किसकी मजाल है, सेवक की हैसियत से सेवा में प्राण लगा दूंगा। आपने अंदर खाया है, सारे ही निपटा दूंगा। इस रोज से दाएं लगा मुझको, आज ही भक्ति उठा दूंगा। उस दिन तो मैं बच ही गया, आज मैं बचने पाऊंगा। शाबाश, जा और लिबास पहन। जय श्री राधा महाराज, जय शंकर की। एक बेईमानी दे रही आसरा, जय श्री राम। हमारे मंच पर वीर हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। बड़े ही भाग्यशाली हैं आप कि आप आज के दिन भगवान श्री राम के साथ साथ वीर बजरंगबली के भी दर्शन करेंगे। अभी सीता हरण के बाद जो अपना दृश्य होगा वो किष्किंधा पर्वत होगा, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र अपनी सीता को तलाश करते हुए वीर हनुमान जी से मुलाकात करेंगे, किष्किंधा पर्वत पहुंचेंगे। दृश्य तैयार है, चलिए।
आप सबकी मांग पर दृश्य से पहले गोपी डांसर द्वारा एक डांस, गोपी डांसर। अभी थोड़ा समय है, उससे पहले गोपी डांसर द्वारा डांस।
वंशपति रामचंद्र की। तो अभी आपने हमारे रामलीला के कलाकार गोपी डांसर द्वारा डांस देखा। आज जो है गोपी डांसर के लगभग 5 डांस हमने तय किए हैं, ये आपको 5 डांस दिखाएंगे और इसके बाद आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉमिक भी दिखाया जाएगा। कॉमिक विनोद अठवाल शेखर एंड पार्टी की ओर से बहुत ही बढ़िया कॉमिक। सोनू सुमित ग्रुप कृपया मंच पर आए। 11 रुपए प्रियंका गोपी के डांस पर खुश होकर दिए हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। 11 रुपए ज्योति नकिता निविया। 10 रुपए निशा रानी। 11 रुपए रानी। 11 रुपए गोपदान। गोपदान महादान प्रभु राम जानते हैं उनका नाम। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में भेंट किए हैं, भगवान श्री राम इनकी मनोकामना पूर्ण करे। 11 रुपए निशांत राव गोपी के डांस पर खुश होकर दिए हैं। 21 रुपए सैंडी राव भूमिका। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में भेंट किए हैं, भगवान श्री राम इनकी मनोकामना पूर्ण करे। 11 रुपए और 21 रुपए गोपदान। गोपदान महादान प्रभु राम जानते हैं उनका नाम। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में भेंट किए हैं, भगवान श्री राम इनकी मनोकामना पूर्ण करे। हमारी समिति द्वारा महिलाओं के लिए इस तरफ पानी की व्यवस्था की है। यदि किसी महिला को इधर पानी पीना है तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था की है, और इधर पुरुषों के लिए पानी की व्यवस्था की है, तो आप पानी पी सकते हैं। तो लीजिए, दृश्य बिल्कुल तैयार है। पंचवटी, अभी आपने जो दृश्य देखा मारीच की कुटिया, जहां पे आपने देखा कि रावण किस तरह से मारीच के पास जाता है और ये कहता है कि तू मेरी सहायता कर, मेरे को सीता का हरण करना है। देखिए, रावण को पता था कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और ये वही अवतार है जो रामचंद्र खुद यहाँ वन में आए हैं, ये वही अवतार है। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को राजतिलक होना था, लेकिन राजतिलक की जगह उन्हें अचानक सूचना दी गई कि तुम्हें कल राजतिलक नहीं वन में जाना है, वो भी 14 साल। देखिए, जो वनवास जो हुआ था वो सिर्फ रामचंद्र को हुआ था, लेकिन पत्नी ने महलों की ऐशो आराम को छोड़ के पति के साथ 14 वर्ष वनवास में जाना स्वीकार किया। वहीं एक छोटा भाई लक्ष्मण, उसको भी वनवास नहीं हुआ था, लेकिन अपने भाई की सहायता के लिए 14 वर्षों के लिए लक्ष्मण ने भी वनवास कबूल किया। तो कितनी बड़ी बात है ये। देखिए, रामलीला में यही आप लोगों को समझना है और यही आप लोगों ने अपने बच्चों को भी बताना है कि रामलीला या भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र कैसा रहा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। हमारे इस ग्राउंड में सभी धर्मों के लोग आते हैं। अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान ना माने तो एक आदर्श पुत्र जरूर मान सकते हैं कि अपने पिता के जरा से कहने पे ही उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। देखिए, यदि राम वनवास गए तो बन गए। मैंने आपको कल भी बताया कि राम वनवास गए तो बन गए। यदि वो राजा बन जाते तो इतना सब कुछ नहीं होता और इतनी बड़ी लीला नहीं होती, क्योंकि भगवान
श्री रामचंद्र जी ने अवतार इसलिए लिया था कि उन्होंने इस धरती पे बुराइयों का अंत करना था और वो वन में आए और वनों में उन्होंने सभी के साथ किसी के साथ मित्रता का संबंध निभाया। अभी आप जो हमारे मंच में देखेंगे कि बाली और सुग्रीव का युद्ध होगा, सुग्रीव से मित्रता की इन्होंने और बाली को मारा, हनुमान से मित्रता की। तो यही है रामलीला, यही है भगवान श्री रामचंद्र। अभी जो आपने दृश्य देखा मारीच का, मारीच को पता था कि जो राम है वो स्वयं भगवान विष्णु है और उन्होंने अवतार लिया है। तो रावण से मरने की बजाय उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के से हाथों से मरना स्वीकार किया। और अभी आप आगे देखेंगे कि मारीच माया का मृग बन के पंचवटी में घूमता है, जहाँ पे सीता भगवान श्री रामचंद्र जी को ये कहती है कि मुझे ये सुंदर हिरण को पकड़ के ला दो। और जब रामचंद्र जी हिरण के पीछे शिकार करने के लिए जाते हैं तो एक आवाज आती है और वो आवाज राम की होती है कि भैया लक्ष्मण जल्दी आए और मुझे बचाए। और लक्ष्मण जब नहीं जाते तो सीता उन्हें जबरदस्ती भेजती है कि आपका भाई किसी समस्या में है और आपको जाना बहुत जरूरी है। जब लक्ष्मण सीता के कहने पे जाते हैं तो एक रेखा खींच कर जाते हैं, अपनी माता सीता को ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये रेखा पार नहीं करनी, क्योंकि लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी उसको कोई दूसरा पार नहीं कर सकता था, लेकिन रावण ने षड्यंत्र रच के वो रेखा पार की, सीता से रेखा पार करवाकर सीता का हरण करके ले गए। तो लीजिए दृश्य बिल्कुल तैयार है, सीता हरण पंचवटी का जो दृश्य है। इसके बाद वीर बजरंग बली जी आपको दिखाई देंगे, किष्किंधा पर्वत का दृश्य और एक बहुत ही बढ़िया कॉमिक विनोद अठवाल शेखर एंड पार्टी की ओर से, और गोपी के डांस भी आज आपको दिखाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप रामलीला में आते हैं तो रामलीला पूरी अवश्य देख कर जाए। तो लीजिए दृश्य बिल्कुल तैयार है, पंचवटी सीता हरण। बच्चे एक बार जगह लगाएंगे और पर्दा खुलेगा। प्रजापति रामचंद्र की, जयकारा कितना जोर से लगाए, प्रजापति रामचंद्र की। अयोध्या को पधारेंगे।
ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह से कट गए, खुशी खुशी तेरा साल कट गए। अयोध्या में तो तुम्हारा अभी से एक जार हो रहा होगा। तुम सत्य कहते हो, देता हुआ जंगल में विचर रहा है। ये मृग तो मुझे पकड़ के दो, बड़ा ही सुंदर है, मैं इसे पालूंगी और हरी हरी घास खिलाऊंगी, अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में पहनाऊंगी और इसे अपना मन पहनाऊंगी। हाँ मुमकिन है ये भाग जाए और हमारे हाथ ना आया। हाथ ना आएगा तो भागकर कहाँ जाएगा। वाह भागने की तुमने खूब कही, आप कोशिश तो कीजिए, जिंदा आत्मा आया तो मृत खाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। सुनते ये किसकी आवाज है?
हाँ सुनता हूँ, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी ने किसने? ये तो भाई की आवाज है। राक्षसों ने उन्हें अकेला समझ हाथ में पाया है और तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। नहीं माता जी, यह आपका महज ख्याल है। राक्षसों की उनके सामने आने की क्या मजाल है। लक्ष्मण, तुम विपत्ति के समय मई के काम में आओगे तो क्या थोड़ा लगाए जाओगे। हाय लक्ष्मण, बस कर दो। तुम केवल कमर पे बैठ गया और तेरा खून कट गया। सिपाही सहायता के लिए सर तुम यहाँ बैठकर पाते ही बने। इसकी मजाल है ए माता, जो दुख उन्हें पहुंचाएगा। जिस जगह सूर्य प्रकाशित हो वहां कब अंधेरा छाएगा। लक्ष्मण अब मैं जान गई, मतलब क्या भाई चरे तुम साथ में मत में आए, मतलब कुछ और तुम्हारा है। माता जी, यह आप क्या कह रही है। और भाई की ओर से मुझे पूरा इत्मीनान है, मगर आप यह तो बताओ, अगर मैं यहाँ से चला गया तो यहाँ कौन निगहबान है। आपको तो काम अच्छी चढ़ रही है। तू अभी जाकर भाई की इमदाद कर, यहाँ कोई खाती नहीं। पासवानी की मेरे जरूरत नहीं, मिल गया था तूने सब करा और धरा।
बदमाशी कहकर बुलाते हैं। आज अपने ही कानों से ये क्या सुन रहा, मौत भी तो नहीं आज आती मुझे। है
अगर जाना है नादानी तो इधर रहना ढिठाई है, गया तो जग मसाई है, रहा तो बेपयाई है। अब कहना भी यही मैंने बाबरी बनाकर। अच्छा माता, मैं जाता हूँ और इस साजिश का पता लगाता हूँ। मेहरबानी अवश्य करना, मेरे आने से पहले इस रेखा से बाहर कदम न रखना। Oh,
स्वाद तेरा बताओ तुझे कौन बचाएगा।
डांस डांस से पहले एक कॉमिक विनोद एंड पार्टी की ओर से विनोद अठवाल एंड शेखर पार्टी की ओर से एक कॉमिक, उसके बाद आपको वीर हनुमान जी के दर्शन होंगे। अभी जो आपने दृश्य देखा सीता हरण, इसके बाद वीर हनुमान जी से भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी मिलेंगे। तो लीजिए पहले कॉमिक ₹10 संजना परी उसी के डांस पर, ₹21 शुभम, ₹21 माही, ₹10 कोरो, ₹10 निशा माही शुभम, ₹10 काजल गोपी के डांस पर, ₹10 दीवान गर्ग, ₹10 प्रथम मित्तल, ₹10 अंजलि मित्तल, ₹21 राघव और सुहानी, ₹10 भाया, ₹10 विधि दिशु, ₹51 अखिल अखिल की गादी, 2 किलो केले भी रामलीला में भेंट किए हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। तो लीजिए कॉमिक से पहले छोटा सा दृश्य है, उसके बाद आपको कॉमिक दिखाया जाएगा। बच्चे एक बार चक्रा लगाएंगे और पर्दा खुलेगा। बोल श्रीपति रामचंद्र की। अब जो कुछ हो चुका
उसके लिए रोना बिल्कुल फजूल है। हम माता जी को ढूंढते हैं, चाहे वो पाताल में चली जाए या आसमान में, हम अपने दम पर उन्हें ढूंढ लाएंगे। घर छूटा पे घर हुए, अफसोस मुझको कुछ ना था, लाख संकट आए मुझ पर, अफसोस मुझको कुछ ना था। इस मुसीबत ने मुझे अब कर दिया दमनाक है, दोष इसका किसको दूं, सीधा तो कर दिया चाक है। ये भाई गर्दिश दम है तो इंसानों पर ही आते हैं, दुख सुख तो सबके एक सम्मान, बस योगी वही कहलाते हैं। आप ही मुझे समझाते हो और आप ही हिम्मत हार गए। दुश्मन से बदला लेना इतनी जल्दी दम हार गए। वही कंसोटी जिसमें जिंदगी बड़ी ऐसे आराम से गुजरी, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं भाती है, बल्कि फूंक फैलाए हुए खाने को आती है। ओ पनहोस कंसोटी, ऐसा जुल्म तूने अपनी आंखों से देखा और तेरी छाती नहीं फटी। ओ जालिम, तूने मेरी प्राणकारी को खा लिया या किसी जगह छुपा दिया। ऊंचे ऊंचे धरतो
हेलो, तो लीजिए इतना मार्मिक दृश्य आपने देखा। भगवान श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में लौटते हैं और सीता को नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं और पेड़ों से पक्षियों से पूछते हैं कि सीता कहाँ है। बहुत ही बेहतरीन दृश्य आपने देखा भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा। वो खुद कितने दुखी होकर माता सीता को ढूंढते हैं, वनों में ढूंढते हैं। बहुत ही मार्मिक दृश्य था ये। तो लीजिए रावण जटायु युद्ध होगा, रावण और जटायु युद्ध होगा। हेलो, रावण जटायु के बाद एक कॉमिक विनोदन पार्टी की ओर से ₹10 कर्ण राव नवीन, ₹10 मनोज का बेटा राघव, ₹10 विनोद अठवाल, फिर ₹10 विनोद अठवाल, फिर से 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 विनोद अठवाल, ₹10 सुमित अठवाल, ₹10 विनोद अठवाल, फिर से ₹10 विनोद अठवाल, फिर से ₹10 विनोद अठवाल, फिर से ₹10 विनोद अठवाल। विनोद अठवाल एंड पॉलिसी की ओर से कॉमिक। उससे पहले छोटा सा दृश्य, रावण जब सीता को उठाकर ले जा रहे होते हैं उस समय जटायु उन्हें रोकते हैं। सीता माता को कहां लेकर जा रहा है?
ये धनुष के टूटे हुए तीर और ये बड़े खून की बूंदे, ऐसा लगता है कि यहाँ किसी का संग्राम हुआ है। अरे ये तो महात्मा आयु है। गिरिराज, 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 बहुत बड़ा है ना। गिरिराज, आपकी ये हालत किसने की? गिरिराज, वही दुष्ट रावण आपकी प्राणी प्यारी सीता को, सीता अपने पुष्पक विमान में लिए जा रहा था और बेटी सीता उस दुष्ट के बंधों में विलाप कर रही थी। जब मैंने रोने की आवाज सुनी तो सीता को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लेकिन उस दुष्ट ने मेरी ये हालत बना दी। अग्नि बाण छोड़कर मेरे शरीर पर चला डाला भगवान, अब मुझे विदा होने की आज्ञा दीजिए। ओ दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का गड़ा भर चुका है, तूने सोए हुए सिंह को जगाया है, लेकिन याद रख यदि मैं राम हूं तो इस अपमान का बदला तेरे वंश को इस पृथ्वी से समाप्त करके लूंगा और लंका की कीट से ईट बदल दूंगा। कह रहा हूं कसम खाकर, धनुष और बाण की वीरता की, नीता की, धर्म के सम्मान की, आज है रघुवंश की, सौगंध कुल के मान की, जान की गाहक बनेगी आज तेरी जान की, जो बचाने को सकल है। प्रभु रघुकुल भूषण धन्य महाराज जटायु, आपने इस राम पर बड़ा उपकार किया है। इस आपकी इस दुर्दशा के लिए राम आपसे क्षमा मांगता है। यदि आप जीवन चाहते हैं तो हम आपको जीवन दान दे सकते हैं। नहीं भगवान, मैंने धर्म के लिए प्राण दिए हैं और अंतिम समय आपके चरणों में दम तोड़ रहा हूं। मुझे इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा भगवान, बस सब बिगा दीजिए। पक्षी होते हुए भी एक मनुष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भैया लक्ष्मण, गिरिराज जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। कैसी आ गया ब्राह्मण? रामचंद्र की लीजिए, अब
अब आप एक बहुत ही बढ़िया कॉमिक देखिए, विनोद अठवाल एंड पार्टी की ओर से कॉमिक 101 रुपया महादेव ईट उद्योग, मालिक राजन शर्मा, साजन शर्मा, साहिल शर्मा लक्ष्मण के रोल पर खुश होकर दिए हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। 101 रुपया महादेव ईट उद्योग के मालिक राजन शर्मा, साजन शर्मा, साहिल शर्मा। 31 रुपए हनुमान के रोल पर कुपदान, 101 रुपया माही और शिवम हनुमान के रोल पर खुश होकर दिए हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। देखिए अभी जो आपने दृश्य देखा, रावण जटायु युद्ध, जिसके अंदर रावण जब सीता को उठाकर ले जा रहे होते हैं और जटायु उस समय उन्हें रोकते हैं और घायल कर देते हैं, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें मिलते हैं और पूरा कहानी बताते हैं कि तुम्हारी सीता को तो रावण उठाकर ले गया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु को ये कहते हैं कि मैंने मेरे पिता का अंतिम संस्कार तो नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें पिता के रूप में तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा, मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त होगा। जटायु को उन्होंने पिता बोला और उनका अंतिम संस्कार किया। तो लीजिए कॉमिक शेखर विनोद अठवाल एंड पार्टी की ओर से, बच्चे एक बार जयकारा लगाए, बस श्रीमती रामचंद्र की। ये देखियो एक है, ये तो सारा बच्चे का ही हो, एक को मेरो पति मर गयो, एक मेरो बेटो काम को बन मेरो को नहीं बिना विनोदिया, ओ विनोदिया, अरे कपिले देखियो एक मेरो बेटा, ये देखियो एक भाई जी, ये थे विनोद।